the throne of almighty allah allah ka arsh allah subhanahu wa taala apne bare mein kehte hain ki rabbul arshil azim ke wo rab jo arsh azim the great throne uska malik hai. You know the size of throne, jaise ki maine pichle episode mein baat ki thi ki you will be amazed to know the huge gigantic the mammoth size of the arsh of allah subhanahu wa taala. हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सात आसमान हैं एंड द फर्स्ट हेवन कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द कंपेयर्ड विद द सेकंड हेवन पहला आसमान और दूसरे आसमान के साइज़ में जो कंपैरिजन किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने द फर्स्ट हेवन कंपेयर्ड विद द सेकंड हेवन इज़ लाइक अ रिंग प्लेस्ड इन अ डेजर्ट. ये जो सहारा डेजर्ट है उसमें आप एक छोटी सी अंगूठी रख दें, सहारा डेजर्ट दूसरा आसमान है और जो रिंग है वो पहला आसमान है. And the second heaven compared with the third is like a ring in, placed in a desert. And the third is like a ring placed in a desert. Compared with the fourth is like a ring placed in a desert. Chautha asman, panchvein asman se mukabla karenge. To it will be like a ring placed in a desert. Jaise ek desert mein, bahut bade sahara mein ek anguthi rakh di jaye. And the earth compared with the rest of the creation is like a ring placed in a desert. So look at the size of the earth. You know, समा दुनिया की बात अल्लाह सुबहानहू व तआला करते हैं, अपनी कुर्सी की बात अल्लाह सुबहानहू व तआला कुरान मजीद में करते हैं, अपनी मेजेस्टिक क्रिएशन की बात करते हैं. देखिए सात आसमान हैं और मेरे नज़दीक ये जो ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, इंटरस्टेलर मैटर है सारा का सारा, आई बिलीव कि द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज़ द फर्स्ट हेवन. इसकी दलील सूरह मुल्क से कुछ स्कॉलर्स लेते हैं कि वला का जयन ने समा दुनिया भी मसौबी है व जालना रजूम लिशयातीन, कि बेशक हमने करीब के आसमान को, दुनिया के आसमान को मुजयन किया है स्टार्स से, ग्लिटर किया. ओके, तो स्टार्स आर एवरीवेयर इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स. सो आई बिलीव एंड मैनी स्कॉलर्स, आई हैव टेकन दिस व्यू फ्रॉम द स्कॉलर्स, दैट द फर्स्ट हेवन इज़ दिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स विच वी सी. और इसके बाद आप सोच लें बाकी के हेवन्स हैं, सात हेवन्स हैं और सेवन हेवन्स में आपस में जो डिस्टेंस है, यानी फर्स्ट हेवन टू द सेकंड हेवन 500 साल की मुसाफियत है. अब किस स्पीड पे जाएंगे वल्लाहु आलम, बट 500 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द हदीस, एंड दिस हदीस इज़ इन सही अल बुखारी. एंड देन अबव द सेवन्थ हेवन इज़ कुर्सी. ओके, एंड व्हाट इज़ कुर्सी? इट इज़ द फुट स्टूल ऑफ अल्लाह. एंड अल्लाह सेज़ अबाउट द कुर्सी, वसअ कुर्सी उस समावात वल अर्ज़. सूरह अल बकरा में वर्स 255 आयत अल कुर्सी, अल्लाह की कुर्सी समाई हुई है, छाई हुई है आसमानों और ज़मीनों में. सोचें उस कुर्सी का साइज़ क्या होगा. बाय द वे कुर्सी और अर्श एक चीज़ नहीं है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये हमारा अकीदा है. ओके, बिकॉज कुर्सी इज़ फुट स्टूल ऑफ अल्लाह, आसमानों ज़मीनों पर छाई हुई है. कुर्सी के ऊपर 500 साल की मुसाफियत पर पानी है. यू नो व्हेन अल्लाह क्रिएटेड द थ्रोन हिज वाटर हिज थ्रोन वॉज ऑन वाटर. ये कुरान की आयत में आपको बता रहा हूँ. इट इज़ इन आई थिंक सूरह फुसिलत वर्स नंबर 9 to 12. ओके, दिस इज़ द रेफरेंस, आई बिलीव यू कैन ऑल्सो चेक. सो अल्लाह टॉक्स अबाउट हिज अर्श कि द अर्श वॉज ऑन वाटर. सो कुर्सी के ऊपर पानी है, इतना इनफाइनाइट पानी है कि आप सोच भी नहीं सकते. पानी के ऊपर 500 साल की मुसाफियत पर थ्रोन है और थ्रोन के ऊपर अल्लाह जल्लो जलालो मुस्तवी हैं, जैसे उनकी शान को जो है वो लाइक है. और अल्लाह अपने थ्रोन पर होने के बावजूद, यानी देखेंगे अगर हम थ्रोन का एक रफ सा आइडियल गएँ कि कितना हमसे डिस्टेंस पे है गैलेक्सीज और ये मिल्की वे से बाहर निकल जाएँ, तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एज पे आप चले जाएँ, अल्लाह का थ्रोन कहाँ पे है, कितनी मुसाफियत पे है. और अपने थ्रोन पे होने के बावजूद नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम अल्लाह. अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि काली रात में, अंधेरी रात में, काले पत्थर के नीचे काली चूंटी भी अगर रींग रही है तो अल्लाह सुब्हान व तआला को उसकी कदमों की चाप भी सुन रही है, अल्लाह देख भी रहे हैं. सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अल्लाह को आपके मसले मसाइल नहीं पता, अल्लाह सुब्हान व तआला को आपकी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता, अल्लाह आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहे? दिस इज़ वट गॉड इज़, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ गॉड, कि इवन दो ही इज़ अबव हिज अर्श, जैसे कि उनकी शान को लाया गया, इसके बावजूद हर चीज़ पर साइमल्टेनियसली नज़र रखे हुए अल्लाह. आई ऑफन गिव दिस एग्जाम्पल कि आप रोड पर खड़े हो जाएँ और आप तीन गाड़ियों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें. कैन यू ऑब्ज़र्व थ्री कार्स साइमल्टेनियसली? आपको एक से नज़र हटा के दूसरे पे रखनी पड़ेगी, यहाँ तक के ऑल दो अगर तीनों एक लाइन में है तो हो सकता है साइमल्टेनियसली आप नज़र रख सकें, बट व्हाट अबाउट मैनी कार्स ऑन अ रोड? क्या आप साइमल्टेनियसली सब पे नज़र रख सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट. इमेजिन अल्लाह एक एक क्रिएशन पे नज़र रखे हुए, एक एक चीज़ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो
اس کی نظر ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کو سسٹین کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کیا نیڈ ہے. سمندر کی گہرائیوں میں جو مچھلیاں ہیں جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہیں، جو اندھیروں میں ہیں، اوکے، وہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈی این اے میں پروگرامنگ کی ہوئی ہے، تمام کریشن میں پروگرامنگ کی ہوئی ہے. سو دس از دا کریٹر، دس از دا ڈیزائنر. امیجن ہاؤ گریٹ اللہ وڈ بی، یو نو ہی ہیز ڈیزائنڈ، پروگرامڈ ایوری تھنگ. ہر چیز پروگرامنگ کے مطابق چل رہی ہے، اینڈ دیٹ از اے فلو لیس پروگرامنگ. یو نو ابن عباس رضی اللہ عنہ، وٹ ہی سیڈ، ہی سیڈ دیٹ امیجن اف دا کرسی اٹ یو نو انکمپاسز دی ہیونز اینڈ دی ارتھ، دین وٹ اباؤٹ دا تھرون. آپ تھرون کا پھر سائز چیک کر لیں. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سورہ حدید چیپٹر 57 verse 4، how he tells us about his rising above the throne, and after telling us about his rising above the throne, Allah hame batate hain ki throne pe hone ke bawajood wo har cheez pe nazar rakha hai. Kitni khoobsurat aaya, huwa allazi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayamin summa istawa 'alal arsh. وہی اللہ ہے جس نے بنایا ہے آسمان کو، زمین کو، فی ستتی ایام، چھ دنوں میں، ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہوئے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها. پھر اللہ سبحانہ وتعالی کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ عرش پر اسٹیبلش ہیں اللہ، جیسے ان کی شان کو لائق ہے، اور پھر اس کو پتہ ہے، یعلم ما یلج فی الارض، کہ زمین میں سے کیا جو ہے زمین کے اندر کیا جاتا ہے، وما یخرج منہا، اور زمین میں سے نکلتا کیا ہے، اس میں سے خارج کیا ہوتا ہے، وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور آسمان میں سے کیا چیز جو ہے وہ ڈسینڈ کرتی ہے، اور آسمان کی طرف کیا چیز اسینڈ کرتی ہے. ہر چیز کا احاطہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی ہوئی ہے. اگین وی کین سی دا گریٹنس آف آل مائٹی اللہ، اینڈ then we should think ke how can we neglect, you know, not worshiping such a creator, not thanking and not asking help from such a creator. It doesn't matter how many sins you have, all you need to do is to raise your hand, apne haath uthaiye, Allah subhanahu wa taala se dua kijiye, aur Allah aapki duaen zarur qabool karenge.